Salut. Ah, maman, elle se met là. Bonjour. पचास ब्लॉक पर है कि नहीं चार अब तो और कोई नहीं है पहले ही पड़ी कौन है दादा बोझा नहीं पहना है मांगे हमें अलेस्टा ऐसा लामा मनी अलेस्टा मनी अलेस्टा मनी मनी अलेस्टा गिल जो क्रेडिट कार्ड वो क्रेडिट कार्ड ओली कैश अब जो पहना तो अब मजा यार नीचे पहुंच गए थे यार महिला नहीं बनता रो आज रोज गड़बड़ है नहीं
से पड़े भैया चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बातें भी ना ना वो सजरी जवानी कहीं जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई ना तो हंसना रुमानी कहीं ना तो खुशबू सुहानी कहीं ना वो रंगली यादें देखी ना वो प्यारी सी नादानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे थार जैसा ना कोई 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 बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू रातों का सुकून रातों का सुकून भी है सुबह की अजान है चाहतों की चादरों में मैंने है संभाले तू कहीं आग जैसी जलती है बने बरखा का पानी कहीं कभी मन जाना चुप कैसे यूं ही अपनी चलानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे थार जैसा ना कोई जग घूमे Pegang hantu dulu. Pani ni. Ha, beli dia kak.
नहीं है अब आपको पानी तो नहीं है अब टेस्ट आएगा राम के सजी गए बरात कसत के अंगना राम के सजे है बरात कसत के अंगना दूल्हा सज गए सही बाला भी सजी गए
पुरी के नारा और नारी अवध पुरी के नारा और नारी अवध पुरी के नारा और नारी तुलसीदास गुण गई है जनकपुर तुलसीदास गुण गई है जनकपुर बाराती आगे बैंड बाजा आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा हे पीछे बाराती आगे बैंड बाजा आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा
आनंद भैया आ गए मामा उदे आओ आगे मामा मामा आओ निकल के मामा 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 का के वाह मामा इधर दो मामा मामा का मामा के दादा भैया दादा यार दादा और दादा लोग हैं मामा आवे मामा मामा यार मामा और मामा आप दादा भैया फूफा आया फूफा दादा आप सब दिए हैं दादा इधर से दादा है कोई दादा बच्चा कोई नहीं दादा बच्चा अच्छा तुम्हें आओ जल्दी आ गया फूफा है फूफा नहीं है यार फूफा है फूफा भी है फूफा फूफा भी है तो भैया गुलाब भैया लग गए ये तो खराब तो खलील हेलो 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 हो गया हो गया हो गया एक भैया है एक भैया और एक वाला लोग और कोई भैया अरे उसके बाद में दे दे गया ये भैया आ गया ओके या इसके लिए जा चढ़ाओ ये गोल खेला लड़का गोदी खेला लो यार गुड बॉय अरे भगवान सब हेवी वेट है अच्छी बात ही गुड बॉय स्वागत है आइए दूल्हे राजा को उतार लाइए Thank you.
ీర్వ్యాసేమహితాయుమాత్మిన్యుసారదో అంతే దేవాయత్నశ్చక్రే జరాసం తన్నో నమ పుత్రసు యత్ విత్రో భవంతి మానో మధయారిస్తాయునిగంధో అదితేదావరతిరంతరిక్షదీతిర్మాత స్మితా సా పుత్ర విశ్వే దేవయదీతిర్మంజాయనాయదీతిర్యాతమదీతిర్ జనితో మాధవ శాంతి అంతరిక్షం శాంతి పృథివీ శాంతిరాపా శాంతి సదయా శాంతి వనస్పతయా శాంతి విశ్వే దేవా శాంతి బ్రహ్మ శాంతి సర్వం శాంతి 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 శ్యామ శాంతి సవిహసి తమ్మభయం సన్నాథు ప్రియామయం ఆభయం సూర్య శాంతిర్భవన్ పునఃపదే భాగ్యం చిన్న స్థాయి ఏషామిశ్యామో భగవాన్ నమస్తే భూమి సదస్య ఉదస్య గురు శుక్ర శని రాహు కేతు విగ్రహ నమస్కరుమి సాగరాయ సర్వే సరదీవ వసుంధరాయత్రి సవిత్రి శాంతి ఆ వైద్యం చెప్పారు.
ओम चंदन तो महत्व पुण्यम पापनाशन आपद नित्यम हस्ते लक्ष्मी सस्तु शरेवाला स्वागत है भगवान से प्रार्थना कर लो क्षमा मांग लो ओम आवनम ना जानामि विसर्जनम पूजा चैवा ना जानामि क्षमस्य परमेश्वरम सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार का भेंट लो जोड़ू मैं दो ओम धौः शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति आप शांति सदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे गुण शांति शांतिरेव शांति शाना शांतिरिधि ओम शांति 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 उसके जवान Thank you.
Thank you.
है श्रीमान श्रीमती जगदीश पांडे और उनके बड़े भ्राता पंडित रजनीश पांडे की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ में दूल्हे राजा के पिता अशोक अशोक कुमार जी उनके परिवार की ओर से भी उनके आए हुए सारे मेहमानों को स्वागत करता हूं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं विवाह संस्कार के निमित्त, और विवाह है शिवनेर का और रानिया का, तो यहाँ पर हम सब मिलकर इन दोनों बच्चों का जो भविष्य जो जीवन है उसको आशीर्वाद देंगे, उसको मंगलमय करेंगे, क्योंकि भगवान जो है वो जोड़े बनाते हैं ऊपर, और यहाँ हम पृथ्वी के निवासी लोग उसको उसी प्रकार से और मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके विवाह को संपन्न करके और बच्चों को आशीर्वाद देकर उनके जीवन को मंगलमय करते हैं। तो ना देर करते हुए विवाह का काल है जो वो प्रारंभ करेंगे, लेकिन मेरा नरम निवेदन है कि आप लोग शादी में आए हैं तो थोड़ा साचित वातावरण बनाए रखें, ताकि जो यहाँ पर शादी विवाह हो रहा है वो आप देखें सुने और याद करें। जिन जिन का विवाह हो गया है उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स है ना, अगर कुछ भुला गया हो बीच में, कोई वचन वचन भुला गया हो तो अभी याद कर लेंगे कि भाई ये वचन वचन भूल गए थे, तो एक तरह का रिफ्रेशर कोर्स है आप लोगों के लिए कि भाई हम याद कर लें कि हमारा शादी 30 साल पहले हुआ था, कुछ मिस हो गया है तो अभी फिर याद आ गया। Pushing the fire down, never
लिए दूल्हे के स्वागत के लिए जो कन्या बेटी है दुल्हन है वो माला लेकर और दूल्हे के स्वागत के लिए आए हैं। और माला का बड़ा माला और डोर का बड़ा सुंदर रिश्ता है। यदि डोर ना हो तो माला नहीं बन सकता, इसलिए धागे में पिरो पिरो कर माला बनाया जाता है। जिस प्रकार से माला बनती वैसे ही हम लोगों का इंसान परिवार बनता है। और फूल इंग्लिश में कहते हैं PHUL, पी के माने प्योरिटी, एच के माने ऑनेस्टी और यू के माने यूनिटी। अगर एक परिवार में इतना चीज हो तो वहाँ से लव जो है वो प्रारंभ होता है। तो इसी प्रकार से जैसे माता सीता ने और भगवान श्री रामचंद्र जी को वर माना डाला था, उसी प्रकार से जो कन्या बेटी है वो माला हाथ में लेकर और यहाँ पर उपस्थित है। और मैं आग्रह करूँगा कि जो गायक मौजूद है वो गाना गाएंगे। स्वस्ति नयुक्षो दृष्टि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधा।
दो गाने उसको मैं ऐसे चल सका देता हूँ और इसके बाद में फिर करने वाले ओम माता रुद्रानं दुहितां वासुनाकुं सरिद्या नमः नृत्यनाभिन्न प्राणुने चन्न चिकिते सुजनाय मागमानागमदितन्वादिष्टं हरे चतुस्याञ्जमनस्य ॐ विष्णु 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 ॐ नमः परमात्मने से प्राणस्य विष्णुरुद्रः प्रावर्तमानस्य ब्रह्मणे Thank you.
श्री सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम भुवाय नमः स्वाहा ओम नाय नमः स्वाहा ओम श्री गुरुवे नमः स्वाहा ओम शुक्लाय नमः स्वाहा ओम श्री शिवाय नमः स्वाहा ओम राहुवे नमः स्वाहा ओम केतुवे नमः स्वाहा ओम चितं च स्वाहा इदं चिताय उपनामम ओम चितश्च स्वाहा उदम चितय उपनामम ओम आंकुटिश्च स्वाहा इदं न मत्राय नामम ओम आंकुटिश्च स्वाहा इदं आंकुटय नामम ओम विज्ञान च स्वाहा इदं विज्ञानताय ओम सु दानो प्रथम न परिदिशानाय हि जयति स्मरेयरम नायु अपोतुत्यो अर्थौ चादा देवादस्तो नो अयम स्नेतु स्वाहा से उनके नीचे जो कुछ भी उनके बीच में जो कुछ भी आता है वो पिस कर बगर कर देते हैं। ये दर्शाता है कि यदि दोनों प्राणी के बीच में कोई भी ऐसा जो वस्तु है आ जाए जो आप ना चाहते हो तो ऐसे ही इसी जोड़ा की तरह उसको पिस कर बगर कर दे ताकि आपका जो जोड़ा है वो आदि यदि तक बनी रहे। इसीलिए इसी जोड़ा का महत्व दिया गया युवा संस्कार में। और इसको भगवान शिव का अंश माना जाता है जो ये भगवान शिव स्वयं माँ कालेश्वर जो है वो पाषाण के रूप में पत्थर के रूप में शिवलिंग बने हुए हैं। इसलिए जो वर वधु है वो दोनों क्या करते हैं कि वर और वधु वर के
द्वारा वधु का पैर रखवाने का अभिप्राय है कि सभी प्रकार से धर्म पालन में वह उसकी सहायता करता। जो आप दोनों हैं इसको छूते हुए अपने अपने मन में ये विचार रख लें कि एक दूसरे का सहायता करने के लिए और हमारा जोड़ा ऐसे ही अटल बना रहे, इसके लिए हम जो पत्थर है उसको अपने पांव लगा कर और उसको स्पर्श कर लेना छू रहे।
सातवें में सप्तपति होती है ना, सात कदम भरा जाता है और उसके लिए जो सात वचन है उसको निभाया जाता है। तो पहले आप लोग अपने अपने भाई का होता है कुछ कुछ तो इसका मानते है जो अन्न जिसको भोजन लेते हैं संपूर्ण संसार को जीवन का साधक है और ग्रस्त के लिए तो वह एक मात्र आधार है। ग्रस्त को जहाँ अपना और बाल बच्चों का भरण पोषण करना होता है वही साधु संत और अतिथि सभी उसी के आश्रय लेते हैं। इन सब का पालन ग्रस्त के ही कारण होता है, कारण ग्रस्त को ही करना पड़ता है। यानी जब आप शादी के सूत्रों में बन जाते हैं तो ग्रस्त आश्रम में चले जाते हैं और आपका कर्तव्य होता है कि साधु संत आए हुए मेहमान सबको भोजन पानी तैयारी करना। इसलिए वर वधु ने सर्वप्रथम अन्न की रक्षा उसे संग्रह करने के लिए प्रतिज्ञा, यानी आप लोग ये प्रतिज्ञा लेते हो कसम खाते हो कि हम अपने घर पर सदैव अन्न की रक्षा करेंगे। अब दूसरा कहते हैं ग्रस्त का दूसरा साधन है बल। बल माने शक्ति, ताकत, एनर्जी और शक्ति संपन्न दंपति ही ग्रस्त जीवन का वास्तविक आनंद उठा सकता है। यदि हमारा शरीर मजबूत हो, शक्ति अच्छा हो तो बड़ा आनंद लगता है जीने में ना, वैसे ही। और राष्ट्र के राष्ट्र को निरोगी और स्वस्थ संतान देकर उसे बलशील बना सकता है। इसलिए दूसरे कदम का बल के लिए प्रतिज्ञा, आप लोग दूसरे कदम जो है वो बल के लिए रखते हैं। और तीसरे में आ जाए और तीसरे में कहते हैं कि ग्रस्त आश्रम का तीसरा साधन है धन। पैसा ना हो तो जीवन नहीं चल सकता ना, स्पेशली गरीब ना इस हमारे देश में। और धन भाव में ग्रस्त आश्रम फीका पड़ जाता है, धन का हो तो ग्रस्त आश्रम जो है फीका पड़ जाता है, मनुष्य दुखी हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पत्नी को ग्रह लक्ष्मी कहा गया है ना, जितने पत्नी ये बहुत महत्व वाली बात है। देवियों सज्जनों आप सुनिए, कि आप भुला गए हो तो मैंने ऐसे कहा कि आप लड़के के उफेसा को से, तो इसलिए ये कहा गया है कि जो धन यहाँ जो धन हमारे घर पर आता है उसके हम ग्रह लक्ष्मी को देते हैं। घर की जो पत्नी होती है उनको ग्रह लक्ष्मी कहा गया है। और चतुर्गृहिणी वही होती है जो थोड़े थोड़े धन को बचा कर रखे ताकि ऐसे दुखी समय पर वो धन को काम में ला सके। इसलिए जो तीसरा कदम हो तो चौथे में सुख के ग्रस्त आश्रम का लक्ष्य है और संसार का हर प्राणी सुख ही चाहता है। सुख शांति के लिए नाना प्रकार के दुख उठाए जाते हैं। सुख से वंचित ग्रस्त आश्रम निष्काम होता है। घर धन्य धान्य से संपूर्ण हो तो सुख ही ऐसा जीवन व्यथा नहीं होता। और खूब अन्न धन कमाना चाहिए पर स्वास्थ्य का भी स्वास्थ्य जो है उसका भी देखना चाहिए। अंदर सुख शांति के लिए चौथे कदम जो है। अब पांचवें में कहते हैं कि गौ आदि पशुओं की रक्षा के लिए उठाए जाने वाला जो कदम है वो ग्रस्त के लिए गाय भैंस आदि कितना परोपकारी होते हैं। वो हमारे फिजी में होता था, गाय पालते थे दूध के लिए और गाय, और जैसे जिसके सेवन से बाल वृद्धि की वृद्धि होती है और अनेक रोग दूर होते हैं। साथ ही गाय के बच्चे खेती के काम में आते हैं। और गौ धन हिंदू का निधि है, यानी गाय हमारी लिए माता के समान है कहा गया है। इसलिए गौ विश्वस्य मातरम, यानी गाय विश्व की माता है, इसलिए पांचवा कदम जो है वो उठाया जाता है। छठवें में कहते हैं कि आगे बढ़ जाए हम छठवें में कहते हैं कि छठा पद रखते समय वर वधु ऋतु अनुकूल आचरण करने का प्रतिज्ञा करते हैं। मौसम के अनुसार, ऋतु माने मौसम न, ठंडा के समय ठंडा जैसा, गर्म के समय और ऋतु के अथवा समय के अनुकूल किया हुआ कार्य लाभकारी होता है। समय पर सुबह, समय पर जागना, समय पर भोजन आदि, समय अनुसार सब कार्य फलदायक होते हैं। और हमारी प्रतिज्ञा क्रिया ठीक स्थान पर समय पर हो, हमारा ऋतु चार और दिन चार ऋतुओं के अनुकूल हो, आगे बढ़ते हैं। सातवें कदम पर कहते हैं कि सखा भाव से रहने का प्रतिज्ञा
जी जाती है। पति पत्नी यदि फ्रेंडशिप में रहे, एक दूसरे से सभी बात शेयर करें, सभी बात लेने में और फ्रेंड जैसा जीवन को व्यतीत करें, बहुत सुंदर जीवन होगा। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि सखा भाव, सखा माने फ्रेंडशिप के तरह जीवन को जीना है, और नस्ती भार्या समो बंधु, अर्थात भार्या जैसा मित्र आपका कोई मिल नहीं सकता। भार्या माने पत्नी, पत्नी जैसा मित्र कोई को नहीं मिलता ना, दुख सुख में सदैव वो साथ देती है। इस प्रकार से कहा है नस्ती भार्या समो बंधु, अर्थात पत्नी जैसा संसार में और कोई नहीं, बंधु नहीं, और पत्नी पति पत्नी दोनों अभिन्न मित्र हो, इस प्रकार से ये सात्वत है। Thank you.
सुभग्रयस्युन्न दत्तवायतस्तवन्ति मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं विष्णुः मङ्गलं सुन्दरीकाक्ष मङ्गलाय और दूल्हे के बड़ा भाई वो भी आ जाए धान पान खोलने के लिए और उसके बाद में दूल्हे के पिता माता और दुल्हन के माता पिता जो कोई भी हो आशीर्वाद देने के लिए मंडप चले चले आए और विवाह जो है बिल्कुल संपन्न सदैव बना रहे इस प्रकार से श्रेष्ठ विचार जो होती है। और जैसे जो नएतम प्राणी होते हैं उनके कांधे पर दो परिवार का जिम्मेदारी आ जाता है, पहले एक था
अकेले थे, जैसे दूल्हे राजा अकेले थे तो उनको अपने ससुराल के परिवार की चिंता करने की नहीं थी, और बेटी अकेली थी तो उनको अपने ससुराल के परिवार की चिंता नहीं करनी थी। लेकिन अब विवाह हो गया तो दोनों को ये देखना है कि दोनों परिवार की ओर से लोग आप दोनों के ऊपर सदैव खुश रहे, सुखी रहे, आप लोगों को आशीर्वाद देते रहे। हमारे जितने भी पारिवारिक जन दूर पास से आए हुए हैं, सभी को मैं दुल्हन के पिताजी यानी कि पंडित जगदीश पांडे जी की ओर से सभी को पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ हम दो परिवार भी ऐसे सूत्र में बन चुके हैं कि अब हम दो से एक परिवार बन चुके हैं। जैसे प्रभु राम के विवाह में अनेक अनेक लोग उपस्थित थे, यहाँ तक कि देवी देवताओं ने भी अपनी उपस्थिति दिया हुआ था, तो उनका उपस्थिति एक विशेष कारण से था, जो कि वो अपने आशीर्वाद को प्रभु राम और माता सीता को देने आए हुए थे। ऐसे ही आज मंडल में आप सब हैं जो अपने हाथों में भर भर कर लाए हुए आशीर्वाद हैं इन नौ जुड़ा दंपति के प्रति कि ये फूले फले और हमारे संतान जो आज तक हमने अपने गोद में पाला था, अब ये बड़े होकर हमें और अपने परिवार को ये चलाएं, यही आशीष हम सब देवेंगे। और अंततः आप सब आए यहाँ उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। जोरदार तालियां।
Hey, 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 hey
Thank you.
हथियार कैसे निकालो? सालियो हरे दुपट्टे वालियो, दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, झूठे दे दो पैसे ले लो, झूठे दे दो पैसे ले लो। सुहाना लगता है दूल्हे का सेहरा, सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पैरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, मोट है खामोश लेकिन कह रही धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन धड़कन मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन।
अशकों को छुपाना लगता है, मुश्किल अशकों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, yeah.